स्वप्ना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। स्वप्ना बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसका हमेशा से ही मन रहता था कि पढ़ाई करने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी करे। लेकिन स्वप्ना के माता पिता ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि अब लड़की बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी करके भेज देना है। ऐसा ही सोचकर वो एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर स्वप्ना की शादी करवा देते हैं। कहने के लिए स्वप्ना का ससुराल बहुत ही अच्छा था, लेकिन स्वप्ना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी हो। ऐसे ही शादी हो जाती है और कुछ दिन भी गुजर जाते हैं, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए स्वप्ना ने एक बार अपने पति रवि से जाकर बात करी थी। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ये शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करवा दी थी। मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालो। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से आपको देख रही हूँ, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मेरे मन की बात कहूँ। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँ और उसके बाद मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीऊँ। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ये मौका ही नहीं दिया और आपके साथ मेरी शादी हो गई। ये सारी बात मैं आपको बस इसीलिए बता रही हूँ, शायद आप मुझे समझ सको। लेकिन आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने आपको देखकर अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात समझोगे। अच्छा, तो तुम ऐसी ख्याल की लड़की हो, इसमें गलत ही क्या है? और हाँ, मैं तुम्हारी बात से नाराज या खफा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान को, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी जिंदगी उसकी खुशी के मुताबिक जीने का पूरा हक है। मैं समझ गया, अब तुम कोई काम करना चाहती हो, यही तुम्हारी इच्छा है ना? अरे लेकिन इसमें गलत ही क्या है? जो तुम्हें समझ में आएगा और जो तुम्हें पसंद आएगा वही करो। और हाँ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम्हारे मन में जो भी है निश्चिंत होकर कह दो, ठीक है? अगर आप इजाजत दोगे तो मैं कोई नौकरी करना चाहूंगी, क्योंकि यह हमेशा से ही मेरा सपना था। लेकिन आपको अगर पसंद नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, समझ जाऊंगी कि मेरी जिंदगी में बस यही लिखा है और मैं ऐसे ही रह लूंगी। ठीक है स्वप्ना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना स्वप्ना, तुम्हारी काम की वजह से मेरी माँ को कभी कोई दुख न पहुँचे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पालना पोसना और मेरा पढ़ाई करना, मुझे इस मुकाम पर लाना, ये सब कुछ सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुआ है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं आज कहीं का नहीं बचता। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि मेरी माँ इस घर में अकेली है। जैसे ही तुम आ जाओगी उनका पूरा ख्याल रखना, कभी इस बात में कोई कमी ना हो। नहीं नहीं, आप इस बात को लेकर बिल्कुल फिक्रमंद मत रहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा कौन कौन सा काम है और मुझे काम किस तरह से करना है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी और माँ जी का भी पूरा ख्याल रखूंगी। घर का सारा काम निपटाने के बाद ही मैं ऑफिस जाकर अपना काम करूंगी। मेरा यकीन कीजिए, आपको कुछ कहने का मौका मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। पति से ये सारी बात कहने के बाद स्वप्ना को जैसा उसने सोचा था वैसे ही एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। जैसा कि पति से उसने कहा था वैसे ही घर का सारा काम खत्म करती है और उसके सास की भी जो जो जरूरत होती थी वो सारी की सारी पूरी कर देती है और फिर ऑफिस जाना शुरू करती है। कुछ समय के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो घर के सारे काम भी करती थी और ऑफिस जाकर अपना काम भी निपटाया करती थी। एक दिन की बात है कि अपना काम खत्म करके स्वप्ना घर वापस आने ही वाली थी कि तभी उसकी एक सहेली रेनू उसको रोक लेती है और कहती है, अरे स्वप्ना तुम जा रही हो? अरे यार रुक जाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है, अगर तुम भी हमारी पार्टी में शामिल हो जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्वप्ना रुक जाओ ना यार, कुछ ही देर की तो बात है। रेनू की ये बात कहते ही स्वप्ना भी कह देती है कि वो उन लोगों के साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि उसकी सास उसके घर में अकेली है। स्वप्ना के साथ काम करने वाले सभी लोग रेनू के साथ ही जो रेनू कहती है वैसा ही वो सारे लोग कहते हैं।
कि कुछ वक्त के लिए वो उन लोगों के साथ रुक जाए। बस एक ही दिन की तो बात है, रोजाना ऐसे थोड़ी ना लेट से घर पहुंचोगी। ये बात सुनकर सारे लोग जबरदस्ती भी कर रहे हैं, ये सोचकर स्वप्ना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, जिससे उसको घर पहुंचने में थोड़ी सी देर हो जाती है। बेटी स्वप्ना, क्या हुआ? आज बहुत देर हो गई घर पहुंचने में। क्या हुआ बेटी, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था क्या, या फिर आने में बस नहीं मिली जिससे देर हो गया? नहीं माँ जी, दरअसल बात ये है कि मेरे ऑफिस में एक कुलीग है, आज उसका जन्मदिन है, बस इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मुझे घर जाना है, लेकिन सारे लोग मिलकर बहुत जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए मैं भी रह गई थी। लेकिन माँ जी, आज के बाद फिर से ऐसी देरी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं बेटी, कोई बात नहीं, एक दिन ही की तो बात है ना, कोई बात नहीं, कभी कभार जल्दी या देरी हो जाती है। अच्छा बेटी, मुझे ना जल्दी से थोड़ा खाना लगा दे, खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी तो लेनी है ना। उसके सास की ये बात सुनते ही संध्या भागी भागी जाती है रसोई घर से, और फिर उसको खाना लाकर दे देती है। कुछ समय सब कुछ ठीक ठाक फिर से चलने लगा। फिर एक बार की बात है कि स्वप्ना के ऑफिस में एक और लड़की का शादी का दिन था, जिससे वो लड़की उसके पास आती है और स्वप्ना से कहती है, स्वप्ना आज मेरे मैरिज एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि तू भी हमारे साथ हमारे घर पर डिनर के लिए चले। सारे लोगों को मैंने इनवाइट कर लिया है, अब मना मत करना यार, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे बुरा लगेगा। सॉरी संध्या, शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि घर में मेरे सास अकेली है ना, अब माँ जी का ख्याल मुझे ही तो रखना है, क्योंकि उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। घर जल्दी नहीं जाऊंगी तो उनको खाना वक्त पर नहीं मिलेगा। अरे यार तू भी ना हमेशा छोटे बच्चों की तरह ऐसे डरती क्या रहती हो, इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी अच्छी जॉब करती हो, इतना पैसा कमाती हो यार, और ऑफिस में भी तुम्हारी कितनी इज्जत है, लेकिन फिर भी इतना डरती हो। अब सास से डरने का थोड़ी ना ये जमाना है, डरना भी बंद कर दे। संध्या की ये बात सुनते ही ऑफिस में काम करने वाले सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसको देखकर स्वप्ना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसको वहाँ थोड़ी सी बेइज्जती से महसूस होने लगती है। अब सारे लोगों के सामने वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, इसलिए स्वप्ना सारे लोगों के साथ मिलकर उस शाम पार्टी में चली जाती है। अब धीरे धीरे उसका काम भी बढ़ता गया और उसके दोस्त और उसके व्यवहार भी बढ़ते गए, जिससे एक दिन कोई शॉपिंग पे बुलाता तो कोई पार्टी पे तो कोई किसी फंक्शन पे। इस तरह रोजाना स्वप्ना घर पहुंचने के लिए देर ही हो जाया करती थी। घर में सास बहुत परेशान होती उसका इंतजार करती थी, पूछने पर ये बताती थी कि अब मैं बहुत बिजी हो चुकी हूँ, कोई किसी चीज के लिए बुलाता है तो कोई किसी काम के लिए बुलाता है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि सारे लोगों के साथ मैं भी तो वहाँ काम करती हूँ। ये जवाब पाकर कावेरी बेचारी कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप ऐसे ही रह जाया करती थी। एक बार की बात है कि कावेरी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन घर पे स्वप्ना नहीं थी, जिससे कुछ काम करने के लिए कावेरी उसके घर के रसोई घर में पहुंच जाती है। वो कुछ काम कर ही रही थी कि तभी उसका बेटा भी घर पहुंच जाता है। रवि घर आकर देखता है कि उसकी माँ तो रसोई में कुछ कर रही है, जिसको देखकर परेशान होकर कहने लगता है, माँ माँ, अरे माँ, यहाँ रसोई घर में क्या कर रही हो माँ, स्वप्ना कहाँ है? माँ क्या हुआ, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो माँ, तबीयत तो ठीक है ना? कावेरी घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सारी बात उसके बेटे रवि को बता देती है। सारी बात जानने के बाद रवि का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब रवि अपने पत्नी स्वप्ना के घर के आने का इंतजार कर रहा था, जैसे ही वो घर पहुंचती है उसको देखकर बहुत ही डर जाती है, जैसे कि उसने कोई गलती की हो। तभी रवि उससे कहता है, स्वप्ना आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी तभी तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का मौका दूंगा। तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि मेरे लिए मेरी माँ बहुत जरूरी है, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ को इतनी तकलीफ पहुंची है। स्वप्ना मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपनी बात से भी मुकर सकती हो। अब और नहीं स्वप्ना, तुम जैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए,
तुम माँ को अकेली घर में छोड़कर अपने ऐशो आराम के पीछे भाग रही हो। अब मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है, तुम अब अपने मायके जा सकती हो। रवि की ये सारी बातें सुनने के बाद भी उसकी माँ कावेरी कुछ नहीं कहती है और ना ही रवि को रोकती है। ये सब कुछ देखकर स्वप्ना बहुत ही हैरान रह जाती है। पति की बात सुनकर एक ही बार में उसके होश उड़ जाते हैं। फिर उसको समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। स्वप्ना का पति रवि उस पर बहुत विश्वास करता था, जिसका उसने गलत फायदा उठाया था। ये बात स्वप्ना समझ जाती है और फौरन ही आकर उन लोगों से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो कोई भी आकर मुझसे कुछ भी कहता था, मैं सब कुछ मान लेती थी। ये बिल्कुल नहीं सोचती थी कि क्या गलत है और क्या सही। बस जो कोई भी कुछ भी बोलता था, मैं सुन लिया करती थी। इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई थी कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। माफ कर दीजिए माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और एक आखिरी बार समझकर मुझे एक आखिरी मौका दे देना। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को तकलीफ हो। स्वप्ना इस तरह उन लोगों से माफी मांगने के बाद कावेरी और रवि भी उसको माफ कर देते हैं, क्योंकि स्वप्ना को उसकी गलती का एहसास हो गया था। उसके बाद स्वप्ना भी अपने आप को पूरी तरह से बदल लेती है। ऑफिस में चाहे उसके कान कितने भी क्यों न भरे, लेकिन किसी की बात वो नहीं लेती थी। वो वही करती थी जो उसको ठीक लगता था। इस तरह उसने अपनी जिंदगी फिर से खूबसूरत से बदल ली थी। अब कावेरी, रवि और स्वप्ना तीनों ही बहुत ही प्यार से मिलकर रहा करते थे।